नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वीएस से रिलेटेड। जी हाँ भाई, महिलाओं के लेबर लॉ के बारे में हम बात करेंगे कि भाई महिलाएं भी इंडिया में खूब सारे देशों में जॉब करती हैं। जी हाँ, उनके लिए देखिए कुछ कानून होते हैं, वो पुरुषों से अलग, यानी मैन और वुमेन में डिफरेंस होता है जॉब में। खासतौर से ड्यूटी टाइम की हम बात करें तो बाकी सैलरी वगैरह में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, इतना क्या बिल्कुल भी नहीं होता है, वो तो सब पूरी सुविधाएं हैं सेम मिलती है। बाकी महिलाओं को एक्स्ट्रा में बेनिफिट मिलते हैं लीव सैलरी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी या फिर और बहुत सारी हैं जो अलग से उनको छुट्टी दी जाती हैं, वो तो आपको पता है इंडिया में भी मिलती हैं, विदेशों में भी मिलती है। जी हाँ, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या महिला को नाइट ड्यूटी के लिए मजबूर किया जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे महिलाएं नाइट ड्यूटी करती हैं। जी हाँ, तो क्या ये एक मजबूरी में करती हैं या फिर अपनी सहमति से करती हैं, यूए लेबर लॉ क्या बोलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। देखिए इसमें मैं बता दूँ, यूए का जो लेबर लॉ बनाया, बता दूँ 1980 के आर्टिकल 8 में एक बात बताई गई है कि नाइट ड्यूटी का मतलब ये नहीं होता 12-13 घंटे ड्यूटी होती है। नाइट ड्यूटी का मतलब रात को 10 PM से मान्य होता है नाइट ड्यूटी, 10 PM से मॉर्निंग में 7 PM तक। जी हाँ, इस दौरान क्या महिलाएं नाइट ड्यूटी कर सकती हैं, इसमें देखो दो बातें होती हैं। पहली बात तो बता दूं कि बिल्कुल उनको मजबूर नहीं किया जा सकता महिलाओं को नाइट ड्यूटी करने के लिए किसी कंपनी के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा या किसी भी एक्सपायर्ड। जी हाँ, अलग बात है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मेडिकल से रिलेटेड, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल अलग एक इमरजेंसी सेवा आ जाती है, उसमें महिलाओं को नाइट ड्यूटी करनी पड़ सकती है। जी हाँ, लेकिन उसमें भी महिलाओं को एक ऑप्शन दिया गया है कि भाई अगर वो चाहें तो वो एक लिखित में या फिर अपने आवेदन में, एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट कर सकती हैं जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट स्टाफ है उनके द्वारा, जो उनको कंट्रोल बॉडी करता है, कंट्रोल बॉडी से, कि भाई मैं नाइट ड्यूटी नहीं करना चाहती, मैं दिन में ड्यूटी करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे नाइट शिफ्ट न देके डे की शिफ्ट दी जाए। तो वो उनके विवेक पे डिपेंड करता है कि वो उनको उनका कहना मान के उनको नाइट ड्यूटी न देके डे की ड्यूटी देता है या फिर नाइट की ही ड्यूटी देता है। उस वो एक ऐसा ऑप्शन है मेडिकल से रिलेटेड कि महिला नर्सिंग स्टाफ है उसको नाइट ड्यूटी करनी पड़ सकती है, डॉक्टर वगैरह को। बाकी जितने भी कैटेगरी हैं भाई, उनमें महिला को रात को नाइट को ड्यूटी करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। जी हाँ, ये उनका लेबर लॉ के सुरक्षा के अधिकार में ये बातें बताई गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं ड्यूटी वुमेन्स हैं दुबई में, वी में जॉब करती हैं या फिर एक्स वाई जेड कोई भी कंट्री में, सब देशों पे ये चीज़ लागू होती है, नाइट ड्यूटी आपसे नहीं करवाई जानी चाहिए। अगर कोई कंपनी, कोई मालिक आपको नाइट ड्यूटी के लिए बोल सकता है तो बोलता है, ज़बरदस्ती करता है, तो आप उनको पहले तो आराम से समझा सकते हैं, फिर भी नहीं मानता तो उनकी आप कंप्लेन कर सकते हैं हॉस्पिटल स्टाफ को छोड़ के। जी हाँ, हॉस्पिटल वाला अलग मैटर होता है, उसमें नाइट ड्यूटी की जा सकती है। बाकी अदर जो भी जितने प्रकार के जॉब हैं उनमें नाइट ड्यूटी करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये दुबई का लेबर लॉ 1980 एक्ट 8 में ये बातें सब बताई गई हैं। बस ये छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी जानकारी के साथ। जी